बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, मैं चलती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बाय, हैप्पी होली। सेम टू यू। आंटी, आंटी आप, ये आपने कितना कलर लगाया हुआ है, आप तो पहचान में ही नहीं आ रही हो। आंटी वो क्या है ना, मैं आपको और पूर्वी को ना होली विश करने आई थी, तो हैप्पी होली। हैप्पी होली। आज भागने की जरूरत नहीं है, कलर्स की वजह से मैंने अर्चना आंटी को नहीं पहचाना, अब उसी कलर्स की वजह से बाबा भी मुझे नहीं पहचान पाएंगे। अब जब यहाँ तक आ ही गई है तो बाबा को भी हैप्पी होली विश कर ही दे, लेकिन संभल के यहाँ, कहीं वो मुझे गलती से पहचान ना ले। एक मिनट। ओ गॉड, लगता है बाबा ने तुझे पहचान लिया। चल तेज, कनाडा तुझे पुकार रहा है। हेलो। हाँ जी। अरे अरे तेज, कहाँ है तू? तू आधे घंटे में जाकर आने वाली थी, अभी 2 घंटे हो गए। आजी, I'm so sorry। वो क्या है ना, इस होली के चक्कर में मुझे पता ही नहीं चला कि इतना वक्त निकल गया है, तो मैं बस थोड़ी देर में निकल ही रही हूँ, मैं आती हूँ घर। जल्दी आ, मैंने तेरे लिए पूरन पोली बनाई है, मैं खाने के लिए तेरा इंतजार कर रही हूँ। ठीक है आजी, मैं जल्दी यहाँ से निकलती हूँ। ओके बाय। ये लड़की भी ना। अच्छा आंटी, अब मैं चलती हूँ। वो क्या है ना कि मैं पूर्वी के बाबा को मिलने आई थी, लेकिन शायद मैं उनसे आज भी नहीं मिल पाऊंगी। अब रहने दीजिए, कोई बात नहीं, मैं उनसे फिर कभी मिल लूंगी। अभी मैं चलती हूँ, क्योंकि अजी का फोन आया था, वो घर पे वेट कर रही है, मेरी बहुत चिंता कर रही है। मैं चलती हूँ, ठीक है? हैप्पी होली। थैंक यू। सर, अब जब मीटिंग कैंसिल हो ही गई है तो चलिए ना, हमारे साथ होली खेल लीजिए। बिलीव मी सर, आपको बहुत मजे आएंगे, आई बाबा भी होंगे वहाँ पे, और वैसे भी ये तो मेरा आखिरी साल है इस घर में, उसके बाद 1 महीने में मेरी शादी हो जाएगी।
फिर पता नहीं कब मुझे मौका मिलेगा आपको ऐसे तंग करने का, इसीलिए बोल रही हूँ चलिए। आपका घर आ गया मिस पूर्वी। सर आप सी मिस पूर्वी, मैं वैसे भी इन सारी चीजों में इंटरेस्ट नहीं रखता, सो इट बी बेटर दैट आई वर्क। ओके सर। या यस मिस पूर्वी। सर एक्चुअली मैं आपसे सॉरी कहना चाहती थी। किस लिए? वो सब आज तक मैं आपको एक इनह्यूमन इमोशनलेस इंसान कहती आई, सर मुझे पता नहीं था कि आपकी आई। रियली सॉरी, मैं आपको जबरदस्ती कुछ सुनाना नहीं चाहती थी, लेकिन आज जब मैं घर आई थी तो आप आई बाबा से बात। मिस पूर्वी, आई थिंक आपको घर जाना चाहिए, राइट? मुझे माफ कर दीजिए, मैं हमेशा आपको गलत समझती आई। मैं नहीं जानती थी कि आपके रूडनेस के पीछे इतनी बड़ी वजह है। किसी भी इंसान की जिंदगी में उसकी माँ का होना कितना जरूरी होता है, ये मुझसे ज्यादा अच्छी तरह और कौन समझ सकता है। हैप्पी होली बाबा। हैप्पी होली, सदा खुश रहे। पूर्वी, मैं ये वादा तो नहीं करता कि तुम्हारा बाबा बनकर जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहूंगा, लेकिन जब कभी भी तुम्हें अपने बाबा की जरूरत महसूस हो, मुझे हक से आवाज लगा देना। मैं कहीं भी हूं, यकीन मानो तुम्हारी आवाज मुझ तक जरूर पहुंचेगी। मैं तुम पर कभी कोई अन्याय नहीं होने दूंगा, तुम्हें हर वो चीज दिलवाऊंगा जो तुम डिजर्व करती हो, जिसकी तुम हकदार हो, और ये रिश्ता मैं हमेशा निभाऊंगा। खुश रहे। इस्त्री कर दिया, अभी लेकर आई। बंदो ला रही हूँ दादा, ला रही हूँ। अरे तुझे छोड़ना मुझे, क्या ये क्या कर रही है तू? अरे ये बटन तोड़ दिया तूने। सुनो, अभी कुर्ता जाके बाबा को देना, ठीक है? और अगर वो बुलाए भी ना तो भी मत रुकना, ठीक है? फौरन आ जाना। पता नहीं इस लड़की के दिमाग में क्या चलता रहता है। भगवान, दादा कुर्ता रख दिया है मैंने। अच्छा बंधु, मेरी वजह से बंधु बंधु अरे कहाँ चली गई? बताओ तो सही, हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, ये सब हमें क्या देखूं मैं वहां पर? ओ अब समझे मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। बंदो, अरे बंदो, इस कुर्ते में एक भी बटन नहीं है। बंदो बंदो
बंदो। माना वो शायद वंदु कहीं बाहर गई है। अभी भी कुर्ता देके गई। क्या हुआ, कुछ काम था क्या? नहीं, वो कुर्ते में कोई बटन नहीं है। मैडम जी, सत श्री अकाल, आइए बैठिए बैठिए। बोलिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? जी मेरा नाम तेज है। वो पता है जी, मैंने पता है, दलजीत ने मुझे सब कुछ बताया था। वो जी दलजीत वैसे बठिंडा गया है। बोलिए आपकी क्या सेवा करूँ? वैसे तो उस टाइम जब मुझे रेंट पे घर चाहिए था तब आपने मेरी काफी मदद की थी, अब इस बार भी आप मेरी हेल्प करेंगे ना? हाँ जी, जरूर करेंगे जी। अब वैसे करना क्या है जी? एक्चुअली मैं जॉब करना चाहती हूँ। वो आप जॉब करेंगे? क्यों मैडम जी, मजाक कर रही है हमारे साथ? वो दलजीत तो कह रहा था कि कनाडा में आपका बहुत बड़ा कारोबार है और आपको जॉब करने की क्या जरूरत है? एक्चुअली सरदार जी, वो एक बड़ी लंबी स्टोरी है, मैं बाद में बताऊंगी, आप अभी फिलहाल ये बताइए आप मेरी हेल्प करेंगे ना? हाँ जी, अगर आप जॉब करना चाहती हैं तो हम आपकी जरूर हेल्प करेंगे जी। ओ भाई, हम घर दिलवाने के साथ साथ जॉब दिलवाने का भी काम करते हैं। मेरे पास काफी सारे ऑप्शन हैं। वैसे कौन सा जॉब करना पसंद करेंगी आप? वैसे मुझे ना ऐसी जॉब चाहिए जिसमें खूब थ्रिल हो, इनोवेशन हो, लोगों से मिलना मिलाना हो। वैसे एक जॉब ऑलरेडी मेरे दिमाग में है। क्या तेजू, आर यू क्रेजी? तुझे और कोई भी दूसरी जॉब नहीं मिली? हे बाबी डॉल, तुझे पता ये जो नई जॉब है ना, कितनी एक्साइटिंग और एडवेंचरस है। नई नई जगह घूमूंगी, लोगों से मिलूंगी, उनके साथ तरह तरह की डीलिंग करूंगी। वाओ, मुझे तो लगता है इंडिया का असली फ्लेवर अब इसी में ही है। मुझे पता है, यहाँ पे ना एक सरदार जी हैं, वो अपना पूरा इन्फ्लुएंस लगा रहे हैं और वो ही मेरे पेपर वर्क और डॉक्यूमेंटेशन करवा रहे हैं। अच्छा काम करती हूँ, मैं फोन रखती हूँ, जब मेरा जॉब शुरू हो जाएगा ना मैं तब तुझे कॉल करूंगी। ओके बाय। मिला क्या? नहीं मिला, और ऐसे मिलेगा भी नहीं। तेज, तू एक बार ठंडे दिमाग से सोच कि तूने अपना पासपोर्ट रखा कहाँ? पूर्वी इसी में रखा था, तू एक बार ढंग से ढूंढना। नहीं ढूंढूंगी, बिल्कुल नहीं ढूंढूंगी। तू यहाँ बैठ और आराम से सोच कि आखिर तेरा पासपोर्ट गया कहाँ। पासपोर्ट 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 पासपोर्ट, मेरे पासपोर्ट कहाँ रखा? जो पूर्वी, ऐसा हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है? मगर हुआ क्या बताना? तुझे पता है, मैं एयरपोर्ट पे आई थी ना, एक आदमी ने मेरा बैग चुरा लिया, तो मैं बड़ी खुश हो रही थी ये सोच के उसमें सिर्फ चॉकलेट थे, मेरा पासपोर्ट भी था। तो तेज, इसका मतलब तेरा पासपोर्ट चोरी हो गया? यानी कि मुझे फिर से पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, रिन्यूअल प्रोसेस, एक डेढ़ महीना लगेगा। ओ गॉड, आजी और पापा को मैं कैसे टैकल करूंगी? चल उन्हें तो मैं बोल दूंगी यूरोप ट्रिप के लिए गई हूँ। लेकिन यार वेरी बैड, सो सैड। लेकिन अच्छा है ना, एक डेढ़ महीने में फिर से और इस घर में रहने वाली हूँ। आई नो दैट्स ग्रेट, लेकिन एक बात बता, तेरे पास कोई और आईडी प्रूफ है ना? हाँ है ना। अरे पूर्वी, बैग मिला कि नहीं? वजह से ना मैं आज को बैग देना भूल गई थी, पासपोर्ट। ये लो आपका बैग। हाँ जल्दी से दे। क्या जी, दिस इज नॉट फेयर, आपको अभी ये मंदिर मंदिर जाना था, अब मेरी जॉब शुरू होने वाली है, अब आप पूजा के लिए जा रही हैं, अब मैं चाह के भी आपके साथ नहीं आ सकती। सच कहूं, तू भी हमारे साथ चलती ना तो हमें बहुत अच्छा लगता है ना लड्डू? लेकिन क्या करूं, अब पूर्वी की सगाई अचानक तय हुई और घर में शुभ कार्य है तो कुलदेवी के दर्शन के लिए जाना भी उतना ही जरूरी है,
लेकिन तू चिंता मत कर, हम एक दो दिन में जल्दी वापस आ जाएंगे और मैं भगवान से तेरे नए काम के लिए भी आशीर्वाद मांगूंगी। अच्छा तो ठीक है, चलिए मैंने आपको माफ कर दिया। ओह कितना बड़ा दिल है तुम्हारा, तुमने आजी को माफ कर दिया। In fact, you know what, आजी, जिस तरीके की जॉब करने जा रही है ना, उसमें इस आशीर्वाद की सख्त जरूरत है। क्या बोला तूने? हिम्मत है तो मेरे मुंह पे बोल के दिखा। ओके, तुमसे कौन डरता है? तुम्हारे मुंह पे आके बोलता हूँ कि तुम जो जॉब करने जा रही हो ना, इट्स जस्ट सो अनहाइजीनिक। ये क्या करती हो हाँ? तुम मिट्टी भरी वाली वो सड़कों में घूमोगी, वो गंदी गंदी डस्ट, वो कीचड़, एंड यू नो व्हाट, बाहर रहोगी ना तो बाहर का खाना खाओगी, बाहर का पानी पियोगी, इट्स जस्ट सो अनहाइजीनिक। मोटू तुझे पता है तू ही एक ऐसा अनोखा सैंपल नहीं है दुनिया में, एक और सैंपल है तेरा। कितना है? वो इंडिया में नहीं है, वो कनाडा में है, और वो भी ना मेरे हिस्से में आई है, क्योंकि वो है मेरी सगी बहन। तू ना उससे मिलना जरूर, क्योंकि तेरी और उसकी ना बहुत अच्छी बनेगी। चलो तुम बाहर जाओ। हाँ मैं जा रहा हूँ। चल जरा मेरे साथ। समझ सके सही तो नहीं कह रहा। क्या शोर हो रहा था? ले जाने के क्यों गया? क्यों झगड़ रहे थे तुम लोग इतनी देर से? इतनी आवाज़ें आ रही थी। क्या हुआ तुझे? आंटी मैं वही सोच रही हूँ जो अभी अभी अनिकेत ने मेरे बारे में बोला, मेरी जॉब को लेके। मैं टैक्सी ड्राइवर की जॉब करना चाहती हूँ और आई डोंट नो मेरा ये डिसीजन सही है या नहीं। बिल्कुल सही है तेज। देख तेज, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, ये बस हमारी सोच होती है कि हम कैसा सोचते हैं। अगर हम काम को छोटा समझे तो वो छोटा है, अगर हम काम को बड़ा समझे तो बड़ा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर हमें अपने आप पर विश्वास है तो हमें हर काम में सक्सेस मिलती है, समझी? सच सच्ची। अच्छा लेकिन एक बात तो मुझे पता, अब तू ड्राइविंग वाइविंग तो कर लेगी, लेकिन तू पैसेंजर्स को छोड़ेगी कहाँ? तुझे मुंबई के बारे में तो कुछ पता ही नहीं, फिर क्या करेगी तू? अरे नो टेंशन आंटी, आपको पता नहीं है मुझे ना मुंबई के छोटे मोटे सारे रास्ते पता है, जैसे गेटवे टू बाबुलनाथ, बाबुलनाथ टू महालक्ष्मी, महालक्ष्मी से जाएंगे हम सीधा हाजी अली, हाजी अली से आता है वो जूहू चौपाटी, सब कुछ पता है। और हाँ, अगर किसी को रास्ता वास्ता नहीं पता होगा ना तो मैं रास्ते में ऑटो ऑटो वालों से, टैक्सी वालों से पूछ के रास्ता बता दूंगी। और पैसेंजर्स ने बेवकूफ थोड़ी होते। मैं समझ गई, मुझे माफ कर दे, मुझे पता चल गया कि तुझे मुंबई का सब कुछ पता है। ये कंगन तो नए लग रहे हैं। नए तो नहीं लगेंगे ना, एक गिफ्ट मिले है मुझे। किसने दिया तुझे ये गिफ्ट? ये तो सोने के लग रहे हैं। आई अर्जुन, अर्जुन सर ने। देखा ये अच्छा हुआ ना मैं तेरे साथ आ गई, इतने भारी बैग से तो वहीं बैठी रह जाती। ला देती हूँ। पूर्वी ये, पूर्वी ये कंगन तो नए लग रहे हैं। नए तो नहीं लगेंगे ना, एक गिफ्ट मिले है मुझे। गिफ्ट में? किसने दिया तुझे ये गिफ्ट? ये तो सोने के लग रहे हैं। वो आई अर्जुन, अर्जुन सर ने। हमारे अर्जुन सर ने? हाँ एक्चुअली मैं तो मना कर रही थी, लेकिन फिर जब इन्होंने खुद फोर्स किया ना तो मैं मना नहीं कर पाई। तुझे पता है मुझे कितना ऑकवर्ड लगा था ऐसे विनय के सामने अर्जुन सर से कंगन लेते हुए। सच कहूँ भाई तो मुझे तो अभी भी ऐसे लगता है कि मुझे कंगन उन्हें लौटा देने चाहिए। नहीं पुरु, कंगन मत लौटा बेटा, ये सिर्फ कंगन नहीं बल्कि तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी के लिए दी हुई अर्जुन की शुभकामनाएं, पर शुभकामनाओं को दिल से स्वीकार करना यही हमारे संस्कार है। हाँ पूर्वी, मानव बिल्कुल सही कहे, हमें जो गिफ्ट देता है हमें उसकी भावनाओं की कदर करनी चाहिए। ठीक है, अगर
तुम दोनों को ये सही लग रहा है तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अर्जुन सर हमें नकली सोने की चूड़िया तो नहीं देंगे, जरूर ये सोना असली होगा, है ना? है ना? कितना वजन होगा इसका? लेकिन आई एक बात तो आज इन कंगनों को देख के ना विनय ने जिस तरह से रिएक्ट किया मुझे मुझे बहुत अजीब लगा। ऐसा क्या कहा उसने? कुछ नहीं आई, वो पूछ रहा था कि इन कंगनों का वजन कितना होगा, इनकी कीमत कितनी होगी। पहली बार मुझे विनय की सोच कुछ अजीब सी लगी आई। अरे ऐसा कुछ नहीं है पूर्वी, देख विनय भी हमारी तरह मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग कर, उसने चूड़िया देखी होंगी तो उसने रिएक्ट कर दिया होगा, बहुत स्वाभाविक सी बात। मैंने भी तो चूड़िया देखकर ऐसे ही रिएक्ट किया ना, इतना मत सोच। हाँ विनय एक अच्छा लड़का और इतनी कीमती चीजों की वैल्यू करना जानता है, और आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उसने वजन पूछ लिया होगा, इसमें चिंता करने वाली कौन सी बात है? देख पूर्वी मैं समझती हूँ कि शादी से पहले हर लड़की के मन में बहुत सारे प्रश्न होते हैं कि क्या मैं जिससे शादी कर रही हूँ वो लड़का सही है या नहीं, वो कैसा होगा, ये सारी चीजें। पूर्वी इस तरह मुस्कुरा क्यों रही है? कुछ नहीं आई, देख रही हूँ कि अनजाने में ही सही, लेकिन तुम दोनों एक दूसरे की बातों को कितना सपोर्ट कर रहे हो, अच्छा लग रहा है मुझे देख के।